हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वनडे एग्जाम में। तो दोस्तों ये कि देखो, टीजीटी पीजीटी छात्रों के लिए बहुत बड़ी खबर निकल के यहाँ पे आ रही है। ठीक है, यहाँ पे तीन पॉइंट मैं आपको क्लियर कर दूंगा, कोई डाउट नहीं होगा। बहुत लोग कमेंट में पूछ रहे थे। पहला डाउट आपका ये है कि इस बार पदों की संख्या बढ़ने से आपको फायदा मिलेगा, मैरिट लिस्ट आपकी कट ऑफ कम जाएगी। इसके प्रूफ बहुत सारे, दो तीन प्रूफ दे दूंगा जल्दी से। और दूसरा पॉइंट ये कि अगर टीजीटी पीजीटी छात्रों में जो फोटो आपने खिंचवाई थी उसका जो बैकग्राउंड अगर आपने थोड़ा ब्लू या कुछ भी रखा है रेड, तो क्या गलती मतलब क्या फॉर्म रिजेक्ट होंगे इस वीडियो में पता चल जाएगा। और तीसरा पॉइंट ये ध्यान समझना, OMR सीट में गलती करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोई गलती करी तो। और चौथा पॉइंट आपका ये भी मान के चलो, तदर्थ क्षेत्रों के बारे में डिटेल में थोड़ा बता देंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को सबको पता होगा, फिर भी मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, कोई डाउट ना रखना। ठीक है, इस बार पदों की संख्या बढ़ेगी, तदर्थ दिए जाएंगे 10 वीडियो देखने से अच्छा दोस्तों एक वीडियो मेरा केवल ये वाला देख लो। ठीक है, 10 वीडियो किसी का भी मत देखो, एक वीडियो, यहाँ पर सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर पदों की संख्या इसलिए बढ़ेगी, तदर्थ शिक्षकों को इसी में टीजीटी पीजीटी में ऐड किया करने का मौका मिल गया। यहाँ पर आप प्रूफ यहाँ पर देख सकते हैं, एक मिनट रुकना। और भाई ये कि लास्ट डेट भी 15 तारीख है, 15 सितंबर, तो पूरा देख लो भाई, बहुत दिक्कत हो सकती है आज 13 सितंबर, तो पूरा प्रूफ मैं पढ़ ले रहा हूँ, जल्दी जल्दी पढ़ देख लेना। सेवा चयन बोर्ड ने टीजीटी पीजीटी 2021 के आवेदन पत्र में फ्रेश अभ्यर्थी के रूप में आवेदन करने आवेदनिक तदर शिक्षकों को शिक्षण अनुभव अपडेट करने का अवसर दिया, टीजीटी पीजीटी में दोनों के लिए। ठीक है, ये आप लोगों को डाउट था कि केवल पीजीटी में नहीं, टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए। ठीक है दोस्तों, अब ये कि देखो, चयन बोर्ड के उपसचिव एवं परीक्षा नियंत्रक नावल किशोर ने बताया कि ऐसे तदर शिक्षकों को शिक्षण अनुभव की सूचना प्रदान करने का चयन बोर्ड अवसर दिया है। ठीक है, इसमें भाई गलती मत करना, 15 सितंबर तक लास्ट डेट है। और यहाँ प्रूफ भी देख लो, पेपर की न्यूज है, सितंबर तक अपने तहत शिक्षण अनुभव को अपडेट कर सकते हैं। तो अभ्यर्थी ध्यानपूर्वक शिक्षण अनुभव अपडेट करें, क्योंकि एक बार सूचना अपडेट होने के बाद में संशोधन नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, अपना ये भी इंपॉर्टेंट बात बताएंगे यहाँ पे। और किसी भी समस्या के लिए अभ्यर्थी हेल्पलाइन वो नंबर होगा, उसमें कर सकते हो, वैसे दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। और इसी के लिए ये तथा शिक्षकों को इसमें ऐड किया गया, तो पदों की संख्या बढ़ा दी गई है। ठीक है, और बहुत पदों की संख्या बढ़ा दी गई, जिससे सीटें भी आपकी बढ़ गई, तो इस बार मैरिट लिस्ट में आपके चांस ज़्यादा बन जाएंगे। जब सीटें बढ़ा दी गई, जिसमें आपके ज़्यादा चांस अब बन जाएंगे। दूसरी चीज़ इसमें ये भी जल्दी से बता दें आपको, ध्यान समझना। देखो एक वीडियो काफ़ी है, सब चीज़ समझ में आएगा। देखो NOC फॉर्म उन लोगों को भरना था, ध्यान समझना, जो TGT PGT में या फिर जिले में, अपने ही जिले में कई सरकारी कर्मचारी पर नियुक्त थे, उनको केवल NOC फॉर्म भरना था TGT PGT के आवेदन में। जिन्होंने नहीं भरा था उनको चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। और भाई ये ऑलरेडी सिलेक्टेड थे, तब TGT PGT का पेपर देते, तो क्या इनके मार्क्स अधिक ना आते, ये नौकरी इनकी लग गई तो इनके मार्क्स अच्छे आए थे TGT PGT में पहले, तो इनके तभी तो मतलब इनके इस बार पेपर देते TGT PGT, तो हालांकि इनके मार्क्स बहुत अच्छे आते, इसलिए इनको चयन प्रक्रिया वैसे बार कर दिया जाएगा, तो इसलिए इनके अधिक मार्क्स को नहीं गिरा जाएगा यहाँ पे, इसलिए कट ऑफ कम जाएगी। ठीक है, मेरे कहने की यह मतलब है केवल कि कोई कोई लोग ने ऐसे लोगों ने भी भरा जो TGT PGT में ऑलरेडी सेलेक्टेड है, समान वेतन मिल रहा था, इस बार TGT PGT का फॉर्म भर दिया था उन्होंने। हालांकि NOC के लिए चयन बोर्ड ने बताया था, चयन लोग ने बता दिया था कि तो आप लोग NOC भर ले, लेकिन बहुत लोगों ने नहीं भरा, लाखों लाखों विद्यार्थियों ने, तो इन बार इनके अच्छे मार्क्स आते, क्योंकि TGT PGT में ये ऑलरेडी पहले सेलेक्टेड थे, तो इनको अनुभव बहुत था, तो ये TGT PGT में अच्छे मार्क्स लाते, लेकिन इस बार इनको हटा दिया गया चयन प्रक्रिया से। ठीक है दोस्तों, तो इस बार आपकी कट ऑफ बहुत ही कम जाएगी, इसका रीज़न ये भी, क्योंकि अच्छे मार्क्स नहीं लिए जाएंगे तो कट ऑफ कम चली जाएगी। तीसरा रीज़न ये है कि पदों की संख्या सीट बिट बढ़ गई, तो इससे भी फायदा आपको, हाँ ये भी तीसरा रीज़न ये है कि पेपर इस बार थोड़ा कोई कोई मतलब ज़्यादातर सब्जेक्ट के पेपर आपके हार्ड आए, तो इसलिए आपके मैट कम जाएगी, और पदों की संख्या सीटें बढ़ने से आपको फायदा मिल गया है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट बात बताते हैं। चलो भाई, वीडियो चाहे थोड़ा बड़ा बन सकता है, लेकिन दूसरा सारे डाउट आपके यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, टॉपिक आपका ये है कि UP TGT PGT में फोटो बैकग्राउंड पे आपका क्या फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आपको इस वीडियो में बताते हैं। देखो भाई, अगर OMR सीट में कोई गलती करी है या फिर आपने फ़ोटो बैकग्राउंड में कोई रंग अलग किया है, तो भाई पैसा मत देना। मुझे पता है कि पोलों कॉल करा होगा या आपने कॉल करके कहीं संपर्क किया होगा, नंबर कहीं से मिला होगा कि आपको इतने नंबर दे दो, आपकी OMR सीट कर देंगे। भाई इतनी पावर किसी के अंदर नहीं कि OMR सीट सही कर दे। ठीक है, पैसा जो ले लेगा ना, तो बाद में फ़ोन भी नहीं करेगा, तो किसी के पैसे के लालच में मत जाना। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात बता दें, आपने जैसे कि देखो फोटो बैकग्राउंड में कहा गया था ग्रे और ब्लैक कलर की करना, तब इनका मकसद ये केवल था फोटो का कि आप लोगों की फ़ोटो थोड़ी कलर मतलब खिल के आए, बस चेहरा आपके समझ में हाँ वही है कि नहीं। ठीक है, बस यही इनका मकसद था। आप लोग चाहे बैकग्राउंड चाहे जैसा किया हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बैकग्राउंड ब्लू रेड कोई दिक्कत नहीं, आप लोग कमेंट पूछ रहे थे तो मैं इसका आपको जवाब दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं थी। तीसरी चीज़ ये है कि आपका जैसे OMR सीट में जैसे आप लोग ने काले पेन से गोला भरना था, आपने नीले पेन से भर दिया था, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। गोला भरने का ये उद्देश्य यहाँ पे केवल था कि आप गोला अगर ऐसे आपने भरा तो गलती है। देखो गोला पूरा ऐसे पूरा ऐसे पूरा आपका पूरा गोला ऐसे भर देना था, ये सही है, लेकिन आप इतना केवल भरा है
तो ये आपका गलत है ठीक। काले नीला का कोई वो नहीं था वैसे, सिस्टम ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आप ये काम करोगे तो बेकार है। अगर पैसा देकर काम करोगे तो पैसा ले भी लेंगे, काम भी नहीं बनेगी तो बेकार चीज़ है ठीक है। मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, मुझे सब पता है, फिर भी ये सब रहने दो ठीक है। अब तीसरी चीज़ यही आपका होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अनुमति प्रमाण पत्र, उन्हें बनना था जो TGT PGT में ऑलरेडी सिलेक्टेड थे या सरकारी कर्मचारी पे अपने ही जिले में कहीं नियुक्त थे ठीक। उन्हीं लोगों को बनना था, आप लोगों को ये कि पहले जो अभी इंपॉर्टेंट बात बताएंगे रुक जाना, जो बहुत ही मतलब पहले पहले विद्यार्थी जो बहुत ही मतलब पहली बार पेपर दिया TGT PGT का, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। इस बार मेरिट लिस्ट NOC कारण और तथा शिक्षकों कारण और मेरिट पेपर थोड़ा हार्ड लेवल के कारण कि आपका जो कट ऑफ है इस बार बहुत ही कम जाएगी, तो आप लोगों को बहुत बड़ी खुशखबरी है। चलो भाई एक और न्यूज आ रही थी तो इसको भी यहाँ पे डिस्कस कर लें, ये थोड़ा पेपर की न्यूज आप पढ़ लेना ठीक है। यही कि 35,000 पद खाली, इसके पहले एक वीडियो मैंने बना दिया तो उसको देख लेना। और दोस्तों ये भी बताया जा रहा है कि जो आपका रिजल्ट व उत्तर कुंजी एक ही दिन आएगी, एक ही दिन फिक्स है ठीक है। कुछ नंबरों का लुफड़ा वो बिल्कुल सही होकर आ जाएगा। और आपका दोस्तों ये कहा जा रहा है, वैसे आप लोगों को बुरा लगेगा वैसे सच बता दे रहा है, 31 अक्टूबर के पहले कहा गया कि रिजल्ट व उत्तर कुंजी आएगी, 15 सितंबर को नहीं आएगी क्योंकि तथा शिक्षकों का लफड़ा फंस गया इसलिए नहीं आएगी ठीक है। और दूसरी बात ये बता दें, 31 अक्टूबर कहा है लेकिन 20 अक्टूबर तक फिक्स है कहा, 31 अक्टूबर से पहले कहा था तो 20 अक्टूबर तारीख कही गई है, तो 20 अक्टूबर तक उत्तर कुंजी रिजल्ट देखने को मिल जाएगा ठीक है। डाउट बिल्कुल मत करना, बस एक छोटा सा काम कर देना, देखो इतनी मेहनत आपके लिए करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। TGT PGT की लेटेस्ट न्यूज़ आपको मेरे चैनल पर मिलती है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फाइनल कट ऑफ और फोटो बैकग्राउंड सब आपको मेरे चैनल OMR सीट में गलती पर क्या होता है और बहुत सारी न्यूज़ जितनी भी TGT PGT की आई हैं ठीक है, सभी विषय की कट ऑफ भी मैंने आपको बता दी है ठीक है। तो मेरे चैनल पर जाकर देख लेना ठीक है, मैंने सारे वीडियो आपको डाउट सारे कम खत्म कर दिए, तो आप लोग जाके चैनल पर जाके दे सकते हैं ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना।